ये पाकिस्तानी बजट है या आईएमएफ का बजट है क्योंकि बजट बन चुका है अब ये पाकिस्तानी है या आईएमएफ का ये तो मुझे मालूम नहीं है कि आईएमएफ ने कहा है आपको अपनी करेंसी को और डिवेल्यू करना है तो अगर ये तीन सौ पच्चीस पे चला गया तो ये तो मैं समझता हूँ कि गरीब आवाम और सफ़ेद पोश का तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा सोलर एनर्जी का सोलर सिस्टम के बारे में बड़ी बहस चल रही है लोग बहुत परेशान हैं बिजली के रेख बहुत बड़े हुए हैं आगे क्या आप समझते हैं कि ये एक अच्छा जेस्चर ये होना चाहिए पाबंदी लगनी चाहिए ये बिल्कुल अच्छा जेस्चर नहीं है हम ग्रीन इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज कर रहे हैं हमारा इम्पोर्ट बिल कम होगा आई के जो हमने एग्रीमेंट्स कर रखे हैं

लेकिन हम मरने के बाद भी किसी को जवाब दे क्या ऐसी मुश्किल है कि हमारी पाकिस्तान की आज तक बढ़ नहीं रही है है हमारी एक्सपोर्ट सब तक नहीं बढ़ सकती जब तक हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को आप कम नहीं करेंगे जब तक आप हमारी इनपुट कॉस्ट को कम नहीं करेंगे जब तक आप ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ नहीं जाएंगे डायरेक्ट टैक्स के लिए जनरली क्रिटिसाइज किया जाता है कि जो एल ए है, बड़े लोग हैं। वो टैक्स नहीं देते, जिसकी वजह से मिसाल। आपकी पॉलिसी होती है वो सबसे पहले घर के सरबराह से शुरू होती है पच्चीस करोड़ आवाम की अकाउंटेबिलिटी की जरूरत नहीं है पच्चीस सौ लोगों की अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है खबर बड़ी चल रही थी जिसके ऊपर टेलीफोन जो है उनके え बंद कर दी जाएं जो डायरेक्शन देते क्या ऐसी जो पॉलिसीज होती हैं जो गवर्नमेंट बनाती है आप समझते हैं एज अ बिजनेसमैन के ये बेहतर ये नुकसानदेह हैं पहले जो डाटा आपके पास है पहले आप उसे ले लें उनको टैक्स नेट के अंदर ले आए जो पंछी आपके हाथ में ही नहीं है आप तो उसे पकड़ने के लिए जा रहे हैं जो आपके हाथ में है पहले आप उसे तो टैक्स नेट के अंदर ले, ले आए बिसफल रामीम प्रोग्राम वर्ल्ड इन फोकस में आपका होस्ट अब्दुलबासत खान हाजिर खिदमत है और आज हमारे साथ जो शख्सियत तशीफ़ फर्मा है वह है लाहौर चैम्बर ऑफ कामर्स की बड़ी अहम शख्सियत उनके सदर हैं और उनका नाम है जनाब काशिफ अनवर साहब वेलकम टू द शो सर थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया काशिफ़ भाई देखिए आप के बारे में मैंने अक्सर देखा है कि आप माशा गुफ्तगु बहुत अच्छी करते हैं या तो आपकी तैयारी बहुत होती है या आप जहीन बहुत हैं या आप डिबेटर रहे हैं एक किस तरह आपने सफ़र किया शुरू अपनी ज़िंदगी का थोड़ी सी रोशनी डालिएगा और क्या यू आर आइंग फॉर दिस पोस्ट या इससे भी कहते हैं सितारों से आगे जहां और भी हैं कि और भी आपके मंजर सर बहुत शुक्रिया जी एक तो अल्लाह ताला और उसके हबीब की बहुत करम नवाज़ी है दूसरी बात ये कि मेरी नीयत साफ़ है तीसरी बात यह कि मैं दो में मेरे सियासी कैरियर का आगाज़ हुआ लाहौर चैम्बर में और uh, मैं 2013 में 13-14 में मैं वाइस प्रेसिडेंट बना बहुत कम ऐसा होता है कि फर्स्ट एन में किसी को ऑफ़िस बयरशिप मिल जाए ये बहुत अल्लाह ताला की करम नवाजी थी फिर अब 2022 में मैं प्रेसिडेंट बना और फिर अल्लाह ताला की करम नवाज़ी ऐसी देखिए कि द दे, 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 दे वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक्ट चेंज हो गया कि जो सिटिंग ऑफिस बरर्स हैं वो दो साल के लिए होंगे तो मैं पहला सदर हूँ लाहौर चैम्बर का और मैं सोवा सदर भी हूँ और मैं पहला सदर भी हूँ जिसको दो साल मिले जहाँ तक आपने ये बात की कि मैं क्या तैयारी से बैठता हूँ जी मैं बिल्कुल तैयारी से बैठता हूँ मैं पढ़ के बैठता हूँ मेरी जो आर एन डी की टीम है मैं उससे नोट्स भी ज़रूर टू द टॉपिक ले लेता हूँ कि बात क्या करनी है और वैसे भी जनरली इंफॉर्मेशन होती है कि बात कैसे करनी है मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता टू द पॉइंट बोलता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि जो दो क्रक्स है प्रॉब्लम वो भी आ, सामने रख दूँ जिसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ और और मैं जो एक बात फर्क करता हूँ मैं सोल्यूशन साथ देता हूँ सोल्यूशन के साथ बात कर अच्छा ये बताइए काशी भाई कि आप तो क्या आपसे पहले भी आपकी फैमिली में भी कोई रहे हैं सदर किस तरह आप ओनली पर्सन जो इसने ये लैंडमार्क लिया नहीं अलहमदुल्ला जी मेरे वालिद भी फॉर्मर प्रेजिडेंट हैं मेरे वालिद के कज़न बड़े कज़न भी फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी फैमिली में तीसरी जनरेशन लाहौर चैम्बर की प्रेसिडेंट हैं मैं तीसरा प्रेसिडेंट हूँ और अल्टीमेटली आज भी चूँकि मेरे वालिद साहब का जिक्र हुआ है तो वो आज भी हमारे बॉस हैं और कामयाबी की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि मैं उनसे गाइडेंस आज भी लेता हूँ इशूज़ डिस्कस करता हूँ और बिज़नेस के मामलत भी मैं उनको रिपोर्ट करता हूँ तो वो मुझे वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसका मतलब ये हुआ कि माशाल्लाह आपने जो तालीम हासिल की है तरवियत हासिल की है उसका बड़ा अमल दखल है आपकी ज़िंदगी की कामयाबी में मेरी वालदा मेरे इंटरव्यूज़ आज भी सुनती हैं मेरी राइटिंग्स को आज भी पढ़ती हैं मेरे एक्सप्रेशन को आज भी नोट करती हैं और इंटरव्यू सुनते हुए फिर मुझे वो बाद में ये बताती हैं कि फ़लाँ जगह पर तुम्हारी टोन ऊँची हो गई थी और फलाँ जगह पर तुमने गलत लफ्ज इस्तेमाल कर लिया था सख्त था अगली दफ़ा ना करना तो सो आ, मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है माशा जी और अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे अच्छा दूसरी बात ये बताइए जिस तरह हमारे पाकिस्तान की के आजकल के हालात हैं अब देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो हुक्मरान ये कहते हैं कि जनाब बरामदात को बढ़ाना चाहिए मैं सीधा सवाल पर आ गया हूँ क्योंकि टाइम का कस्ट्रेंड होता है हमेशा से आगे ये बरामदात को बढ़ाना हर जो भी आता है कहते बरामदात बढ़नी चाहिए और हर बंदा आगे कहता है लेकिन क्या ऐसी मुश्किल हैं कि हमारी बरामदात पाकिस्तान की आज तक बढ़ नहीं रही है स्टेगनेंट है थोड़ी सी ये कर से पिछली रजीब में आगे मेरा तीस अरफ डॉलर तक गई थी तो क्या आखिर होना चाहिए आप तो इस कम्यूनिटी से ताल्लुक रखते हैं क्या मसाइल है सर मैं बड़ा कैटेगरिकली कहता हूँ कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती हमारी एक्सपोर्ट्स तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को आप कम नहीं करेंगे जब तक आप हमारी इनपुट कॉस्ट को कम नहीं करेंगे जब तक आप ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ नहीं जाएंगे और जब तक आप हमारी पॉलिसीज़ को इंडस्ट्री के लिए कंसिस्टेंट और कंटिन्यूस पॉलिसीज़ नहीं देंगे आज हम ये कह रहे हैं हम एफ की बात कर रहे हैं मैं एफ़ की तो बात ही नहीं करता मैं कहता हूँ कि हमारा लोकल इन्वेस्टर इस मुल्क से निकल रहा है क्यों कुछ ऐसे सवालत हैं जिनका क्यों का जवाब देना सरकार को ज़रूरी है हमने क्या जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हम सबसे ज़्यादा अफेक्ट हैं क्या हमने कोई काम किया हमने डैम्स बनाए हमने वाटर रिजर्वाइज बनाए शोरदे नहीं बनाए हमने सोलर पे क्या किया अल्लाह ताला हमें आठ महीने धूप के देता है पानी वो हमें दे रहा है सूरज वो हमें दे रहा है हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे अब हमारी अब अगली पॉलिसी ये है कि जो ग्रीन एनर्जी बना रहे हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो फ्यूल के इम्पोट बिल को कम करने में गवर्नमेंट को असिस्ट कर रहे हैं हम उस पर भी टैक्स लगाने लगे तो फिर उस सेक्टर का क्या होगा जिसने इन्वेस्टमेंट की उस सेक्टर का क्या उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने अपनी जेब से अपने घरों पे अपनी इंडस्ट्रीज़ पे सोलर प्लांट्स लगाए इसका यह मतलब है कि दैट इज़ यूजलेस और ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रेस किया आपने जो मसाइल बताए हैं पाकिस्तान की क्योंकि आप देखिए आप तो बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं आप लोग टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को आप गवर्नमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं मुख्तल जगहों पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है आगे लेकिन आप देखिए कि आप तो ये बात करते हैं डिमांड करते हैं कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ़ इनपुट जो है वो कम होनी चाहिए आप ये दीगर चीज़ें जो हमारे बाबू कल्चर भी तो पाकिस्तान में है ना आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है हमारे करप्शन भी एक मेजर प्रॉब्लम है मैं ये पूछना चाह रहा था कि आखिर जो हमारे हुक्मरान हैं वो जब आते हैं तो उनका ये मंत्रा होता है जी कि बढ़नी चाहिए अब आपने बिल्कुल सहीन कागजें नहीं बढ़ सकती ये चीज़ें ठीक होने के लिए आपकी कोई यूनाइटेड एफर्ट भी है आपकी पीछे दिनों तो तो हम की एक मीटिंग हुई थी मुझे याद पड़ता है उसमें क्या आपको आप तो नहीं, इस तरफ काम देखिए हम बिल्कुल यूनाइटेड होकर काम करते हैं हमने गवर्नमेंट से उससे मुतफ़ा तौर पर क्या कहा कि टैक्स पेयर को इज़्ज़त दी जाए जा, मैं ये बत तो बात करता ही नहीं कि टैक्स पेयर टैक्स ज़्यादा देता है या कम देता है मैं कहता हूँ जो टैक्स पेयर है आप उसे इज़्ज़त दें टैक्स बेस को बढ़ाएं उसको फ़वाद बताने होंगे और जो ट्रीटमेंट आप एग्जिस्टिंग टैक्स बेस के साथ करते हैं वो आपको ख़त्म करना होगा ताकि हम कन्विंस कर सकें कि आप टैक्स नेट के अंदर आए दूसरा हमने ये कहा कि पहला साल है गवर्नमेंट का आपके प्रोग्राम के तबसत से भी मैं तो हर जगह गवर्नमेंट को ये ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगले पाँच साल की पॉलिसी दे दें पहले बजट साल में एक दफ़ा आता था अब हम सुबह उठते हैं तो हमें नहीं पता होता कि क्या ऐसा रो आ गया और जो सबसे मसले वाली बात है हम सब के लिए हम टैक्स बेस तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन हम उन लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं जो सेल्स टैक्स नेट के अंदर हैं। भाई लोग इनकम टैक्स नेट के अंदर नहीं आना चाहते तो हम सेल्स टैक्स नेट वाले लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं अच्छा गाजी भाई ये बताइए कि ये जो हमारे यहाँ क्रॉस सब्सिडी के बारे में होता है कि इंडस्ट्री अक्सर कहते हैं कि क्रॉस सब्सिडी जो होती है इसको रिमूव किया जाए क्रॉस सब्सिडी बेसिकली जो होती है इससे बेश एक सेक्टर को फ़ायदा तो पहुंचता है लेकिन उससे दूसरा सेक्टर और बाकी सेक्टर मुतासर होते हैं तो क्या ये आप एक मुनासिब समझते हैं इसका क्या हल होना चाहिए देखिए मैं तो वैसे ज़ाती तौर पे सब्सिडीज़ चूँकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है देना और ऐसे कमज़ोर सेक्टर जहाँ पर अगर हम उनको कुछ फेवर दे लें और अगर वो अपने आप को बेहतर कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है मैं ताती तौर पे एमनेस्टीज़ के भी हक़ हाँ में हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि एमनेस्टीज़ हमारी जैसे मुआशे और हमारे जैसे सिस्टम के लिए आनी चाहिए लेकिन आई एम एफ़ तो उसके बहुत खिलाफ है देखें बात यह है कि हमें कन्विंस करना है अपने केस को और अपने प्ली अपनी प्लीट करना है आई एम एफ़ के सामने अगर हम ऐसे सेक्टर को ऐसे अनडॉक्यूमेंटेड पैसे को जो आपके मुल्क के अंदर हैं हम बाहर से नहीं मंगवा रहे जो आपके मुल्क के अंदर और डॉक्यूमेंटेड नहीं है और अगर वो इकानमी के अंदर आ जाए आप प्रॉपर्टी की मिसाल ले लें आपकी बहुत सी फाइल्स ऐसी हैं अगर वो वाइट इकोनॉमी में आ जाए तो उससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी चलेगा हमें जो सब्सिडीज़ की हम बार, बार बार बात करते हैं और, और जो स्पेसिफ़िक आपका सवाल था कि हम एक सेक्टर को सब्सिडी देते हैं और वो उसका फिर खमियाज़ा जो है वो सारी आवाम को भुगतना पड़ता है तो हम इसके तो अल्टीमेटली इसके हक हाँ में नहीं है लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि जो ऐसा सेक्टर जो कमज़ोर है अगर आप एक्सपोर्ट्स की बात करें हम एक्सपोर्ट सेक्टर को सब्सिडी देते हैं लेकिन बात यह है कि एक्सपोर्ट सेक्टर को इस उसी तरह से परफॉर्म करना चाहिए लेकिन चूंकि एक्सपोर्ट सेक्टर भी मजबूर है अपनी इनपुट कॉस्ट पे रॉ मटेरियल्स पे आपके रिफंड्स पे आपके टैक्सेस पे आपके बाकी सिस्टम्स पे तो वो शायद जिस तरह से हम सब्सिडी देना चाहते हैं उसका फ्रूट हमें पूरी तरह से नहीं मिलता मैं मिनिस्ट्री को कंटिन्यू कर करूँगा यहाँ पर मैं ज़ाती तौर पर इस हक़ में हूँ कि ऐसा अनडॉक्यूमेंटेड पैसा जो घर में पड़ा है जो तिजोरी में पड़ा है ऐसे कैपिटल जो इस वक्त आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही उसे बाहर आना चाहिए हम जो एक, -एक बिलियन अभी मैं मिसाल दूंगा एक बिलियन डॉलर आप लेकर आए और एक बिलियन डॉलर का स्कैंडल आ गया किसको फायदा किसको फर्क पड़ा तो ऐसा पैसा जो आपकी इकॉनमी को चलाए तो हमें ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे काम करने चाहिए कि हमारी इकोनॉमी चले काशिफ सब ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट टैक्स है एक है इनडायरेक्ट टैक्स 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 की बात आप कर रहे थे सेल तो जाहिर है कि उसमें आपका तो कोई रोल नहीं होता वो तो जाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से होता है और आप वो देना पड़ता है आके एक होता है डायरेक्ट टैक्स अब डायरेक्ट टैक्स के लिए जनरली क्रिटिसाइज किया जाता है कि जो एल ए सरवत है इशाफिया है बड़े लोग हैं आप रहे हैं हैं वो टैक्स ही देते हैं जिसकी वजह से यह मिसाल इस पर देखें मैं मेरी एक तो मैं स्टेटमेंट बड़ी वाजह है कि हम तमाम पाकिस्तानी इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं ये ये जरूर बात है कि हम अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल नहीं करते अब दूसरा स्टेप यस yes, हम अपनी टोटल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देते अब बात यह है अगर हमें जो अगर हमें ये पता हो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी रहनी क्या है हम अपनी इनकम्स को ज़्यादा डिक्लेयर करते हैं गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को चेंज कर देती है और गवर्नमेंट उसी को पकड़ती है जो टैक्स नेट के अंदर आता है जो अपनी इनकम्स अपनी वेल्थ अभी भी आप सेवन को देख लें क्या जो प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी गई हैं उस इनकम के ऊपर जो आपने अर्न की चाहे आपकी फ़ॉरन रेमिटेंस आई चाहे आपने अपनी सैलरी से ली चाहे आपने अपने बिजनेस से ली चाहे आपने अपने ट्रांसफ़र करी उस इनकम पे एक दफ़ा टैक्स दे लिया गया अब आप ये कहते हैं कि ढाई करोड़ से ज़्यादा की अगर आपकी प्रॉपर्टी होगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा और पूरी वैल्यू के ऊपर देना पड़ेगा तो ये ऐसे इश्यूज हैं क्योंकि हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि हमने करना क्या है और जो पॉलिसी होती है ना जी वो अक्रॉस द बोर्ड होती है और जो बहुत ज़रूरी बात है जो आपकी पॉलिसी होती है वो सबसे पहले घर के सरबराह से शुरू होती है अगर हम अपनी अकाउंटेबिलिटी को टॉप से स्टार्ट करें और मैं कैटेगर हर जगह पे ये बात करता हूँ 25 करोड़ आवाम की अकाउंटेबिलिटी की जरूरत नहीं है पच्चीस सौ लोगों की अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है अगर आप पच्चीस सौ लोगों की अकाउंटेबिलिटी कर लेंगे तो बहुत से कंसर्नस आपके और बहुत से इशूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे और मैं एक बात ये भी कहता हूँ कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स हमारे मुल्क के अंदर होनी चाहिए हमारे मुल्क की और मेरी और आपकी हमारे बच्चों की किस्मत के फ़ैसले उनको करने चाहिए जिनके सारे स्टेक्स इस मुल्क के अंदर हैं मैं समझता हूँ कि जब हम आवाज़ उठाएंगे तो ऐसी कानून साजी होगी कि हमारा हमारे हाकिम आ, सिर्फ वो होंगे जिनके हंड्रेड परसेंट स्टेक्स इस मुल्क के अंदर हो गए। अच्छा अभी एक जो खबर बड़ी चल रही थी जिसके ऊपर कहा गया कि टेलीफोन जो है उनके ए, सिम्स बंद कर दी जाए टैक्सी देते एक बहुत बड़ी तादाद है क्या ऐसी जो पॉलिसीज होती हैं जो गवर्नमेंट बनाती है आप समझते हैं एज बिजनेस मैन के ये बेहतर ये नुकसानदेह हैं हम गवर्नमेंट को ये कहते हैं मैं नहीं कहता गवर्नमेंट खुद कहती है कि हमारे पास उन तमाम लोगों का डाटा है जिन्होंने फॉरेन ट्रैवलिंग की जिन्होंने घर बेचे जिन्होंने घर खरीदे जिन्होंने एक हज़ार सीसी से ज़्यादा की गाड़ी खरीदी गाड़ी बेची गवर्नमेंट के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन है जिनके पास कमर्शियल मीटर्स हैं अस्सी लाख के करीब कमर्शियल मीटर्स हैं गवर्नमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन है अब तो आपके एस बी आर के पोर्टल के ऊपर आपकी बैंक की सारी ट्रांजेक्शन आ रही होती है हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट ये करते हैं पहले जो डाटा आपके पास है पहले आप उसे ले लें उनको टैक्सनेट के अंदर ले आए जो पंछी आपके हाथ में ही नहीं है आप तो उसे पकड़ने के लिए जा रहे हैं जो आपके हाथ में है पहले आप उसे तो टैक्स नेट के अंदर ले आए तो ये इसी वजह से चूँकि लोग ये कहते हैं कि जो डाटा गवर्नमेंट के पास है गवर्नमेंट उस पर तो अमल दरामद करती कोई नहीं तो बाकी अगर आपसे हम बंद भी कर लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा बारह सौ आदमी से लेंगे क्या इसका इफेक्ट हो जाएगा सर अच्छा देख अब आपने ताजर दो स्कीम की बात कर रहे हैं मैं इसमें देखें पहली बात तो मैं यहाँ पर यह बात वाजे करना चाहूँगा कि किसी चैम्बर को भी डायरेक्ट इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे तमाम मेम्बर्स इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं अब बारह सौ रुपया अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बारह सौ रुपया उसने देना है जो खोता रेडी वाला है जो साइकिल पे अपनी चीजों को बेचता है इसके बरक्स कानून ये भी कहता है कि जो ये अभी ताजिर दो स्कीम आई है कि मिनिमम टैक्स वो होगा जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसका दस परसेंट आपका मिनिमम टैक्स होगा तो देखें फिर वही बात इनडायरेक्ट टैक्स फिर वही बात आपने आपने किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया फिर वो वही बात कि आपने स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन नहीं की हम ये कहते हैं हमने गवर्नमेंट को प्रपोज क्या किया आप टैक्स जिस तरह आप एडिशनल पांच से साढ़े सात परसेंट एडिशनल सेल्स टैक्स लेते हैं कमर्शियल मीटर्स के ऊपर आप इनकम टैक्स के रेट को बढ़ा दें तमाम कमर्शियल मीटर्स पे लगा दें और आप उनको पाबंद करें कि आपने अगले साल इसकी एडजस्टमेंट लेनी है जो इसकी एडजस्टमेंट नहीं लेगा हम उसका कमर्शियल मीटर बंद कर देंगे ये कुछ बात समझ में आती है विद सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आप अगर टैक्स नेट के अंदर आएंगे तो हम आपसे पिछला सवाल नहीं करेंगे अगर आपने कवानीन की तमाम प्रोविजन को उसी तरह से एक्टिव रखना है और तमाम इख्तियार अपने आप पास रखने हैं और अब जो नई टैक्स की अमेंडमेंट्स आई हैं उसमें तो इंसाफ लेना बहुत मुश्किल हो गया है महंगा हो गया है तो कोई क्यों आएगा टैक्स नेट के अंदर हमें किसी बंदे को समझा अब देखें हमारे लिए मुश्किल हैं जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर हैं कि अगर हमारी किसी ने असेसिंग ऑफिसर ने गलत असेसमेंट कर दी है तो मुझे ट्रिब्यूनल में जाना है उसके बाद हाई कोर्ट में जाना है और अगर मुझे स्टे लेना है तो थर्टी परसेंट अमाउंट देनी है और अगर फिर डिपार्टमेंट चला गया कि के मैं केस को लड़ना चाहता हूँ तो मेरा वो थर्टी परसेंट गया तो देखें हमें आसानियाँ बांटनी चाहिए दे आर नंबर ऑफ़ वेज हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देने हैं हम गवर्नमेंट के साथ हैं हम चाहते हैं हमारा बोझ कम हो ठीक है अच्छा अब देखिए आप बजट आ रहा है तो अब जाहिर है आप लोगों से मीटिंगें होंगी गवर्नमेंट की और मीटिंगों में आप सजेशन देंगे तजावीज तो देंगे बताएंगे जी कि ये ऐसे होना चाहिए आपने माजी में भी मीटिंग अटेंड की होगी आप समझते हैं कि क्या बिजनेस कम्युनिटी के कितना परसेंट इसमें इनपुट आ जाता है बजट के अंदर देखिए अभी हम आज बैठ के बात कर रहे हैं तो बजट तो बन गया और बजट तो जो बजट के हवाले से मैंने ये भी साथ पूछ रहे हैं ये पाकिस्तानी बजट है या आई एम एफ का बजट है देखिए बात यह है कि चूंकि बजट बन चुका है अब ये पाकिस्तानी है या आई एम एफ का ये तो मुझे मालूम तो है मैं क्यों नहीं मालूम आपसे ज़्यादा कौन जानते हैं हम ले मैन तो नहीं जानता क्योंकि हर एक को पता है कि जो कुछ आ, आई एम एफ है जो कंडीशन हमारे पास तो बहुत कम रह गए ना अख्तियार जो टारगेट भी वो सेट करती है वो भी आई करती है टैक्स का भी वो करती है बिल्कुल ऐसा ही है।, है हम पॉलिसीज उसकी लेते हैं अडॉप्ट करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं लेकिन हमें आईएमएफ से अब ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर अपने एक्चुअल प्रॉब्लम्स और अपने केस को स्ट्रांगली प्लीट करना चाहिए अगर हम उसको नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हम उसी की बात को मानेंगे और हमें अपने अंदर भी देखना है ना जी हमें आईएमएफ ये भी तो आपको कहता है कि अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें आईएमएफ ये भी तो कहता है कि आप अपने गैस और इलेक्ट्रिसिटी की जो सब्सिडी दे रहे हैं अपने वर्कर्स को उसको भी खत्म करें एक्सपेंडिचर की बात बहुत होती है कि जी वो कम करें ठीक है बरामदाद का तो आपने बता दिया कि बरामदाद बहुत मुश्किल है हमारा जब तक कि हमारे जो बिजली गैस तो ये सस्ता हो और उसके साथ रीजनल कंट्रीज़ के साथ कम्पिटिशन तभी बड़ा हो सकता है ये जो अखराज में क्या अखराज होते हैं जो आप समझिए कि कम होने चाहिए ये जो गर्दिशी कर्जे वगैरह और ये जो ये प्राइवेटाइजेशन के मसले हैं जो पी आई ए स्टील मिल का इनका भी ताल्लुक है ये कुछ और ये एडमिनिस्ट्रेटिव की अखराज तो इनका भी ताल्लुक है अगर आप आ, ब, मिसाल ले लें पाकिस्तान स्टील मिल की तो पाकिस्तान स्टील मिल के इस वक्त जितने भी वर्कर्स हैं आप उन्हें तमाम फैसिलिटेशन भी दे रहे हैं और आप उन्हें तनख्वाह भी दे रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान स्टील मिल नहीं चल रही तो इसका ये मतलब है कि वो पैसा जो आपकी सेहत तालीम सिक्योरिटी साफ़ पानी पर लगना था वो पैसा कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा दूसरी बात अगर आप ये कहते हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है तो अंडर पासिस मोटरवेज़ ओवर हेड ब्रिजेस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन उनका मकसद तब है कि जब आप वहाँ पर नए शहर आबाद करें आप नए इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाएं आप मंडी को खेत के साथ मिलाएं तीसरी बात अगर चैम्बर के प्रेसिडेंट्स बग़ैर तनख्वाह के काम कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि असम्बलीज़ को भी बग़ैर तनख्वाह के काम करना चाहिए फॉर पाकिस्तान हम अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चलें आटे में नमक के बराबरी से ही नमक तो बचेगा तो मेरी ये रिक्वेस्ट समझ लें एडवाइस समझ लें कि हमारे जितने भी असम्बली में सैनिट में लोग बैठे हैं उनको पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए और उन्हें अपनी जितनी भी तनख्वाहें हैं उसको सरेंडर करना जिस तरह पॉलिटिशियंस की कोई डायरेक्टरी बनी है कि कौन कितना टैक्स दे रहा है क्या आप बिज़नेस मैनों को भी ऐसी डायरेक्टरी है प्राइम तो मिनिस्टर साहब ने दिया तो है देखें वो उस पर इन्होंने पिछले दिनों अवार्ड्स भी दिए हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं तो ये एक अच्छा जेस्चर है लेकिन हमें इस इस जेस्चर को मासिस तक लेकर जाना है ताकि जो एस हैं जो हमारे देखिए बहुत से लोग हैं जहाँ पर आपके सैलरीड क्लास लोग भी हैं जिनका टैक्स डिडक्ट हो जाता है एट सोर्स लेकिन वो अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल नहीं करते बिकॉज के उन्हें अवेयरनेस नहीं है इसलिए भी कि वो लॉयर से डरते हैं कि भाई पता नहीं बाद में वो ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है जिसके ऊपर कुछ एफ बी आर के अफसरान भी ट्रांसफर हो गए इधर उधर बितर कर दिए गए क्या होता है दफ़ा हर दफ़ा कोई नई पॉलिसी आई जाती है क्या चीज़ का फेल हुआ है किस चीज़ की सजा दी गई है देखें जी मैं जो बात ये कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज और हमारी इंडस्ट्री ये देखें ये सबको पता है कि किस सेक्टर को सबसे पहले पकड़ना है तो ये तो गवर्नमेंट बेहतर तरीके से बता सकती है कि वहाँ पर क्या लूप होल था क्यों ट्रांसफ़र किया क्यों ट्रांसफ़र नहीं किया क्या वजह हुई और अगर गवर्नमेंट अपने एक देखिए अकाउंटेबिलिटी अगेन द अकाउंटेबिलिटी मैं मैं चूँकि उस पर स्टेटमेंट दे नहीं सकता कि वो गवर्नमेंट ने क्यों ट्रांसफ़र किया और क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया लेकिन अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मैं अपनी एक बात को ऐड करूँगा हम पाकिस्तानियों को ये ज़रूर समझना चाहिए कि हम यहाँ पर तो किसी को जवाब दें हैं लेकिन हम मरने के बाद भी किसी को जवाब दें तो हम हम ये भूल गए तो अगर हम थोड़ा सा सिर्फ ये भी याद कर लें कि हमने किसी और बड़े हाकिम को जवाब देना है तो शायद हम अपने आप को करेक्ट कर लें अच्छा ये जो एक सोलर एनर्जी का सोलर सिस्टम के बारे में बड़ी बहस चल रही है लोग बहुत परेशान हैं बिजली के रेख बहुत बड़े हुए आगे तो लिहाजा हर गरीब आदमी ने अमीर किया गरीब याग ने कोशिश की है कि सोलर सिस्टम को लगाया जाए इस के चल रही है, सा चला हुआ बयान भी दिया है आप क्या समझते हैं as, as, as man, a a man, आप क्या गवर्नमेंट की इस है जो वजीर बिजली है क्या आप समझते हैं कि ये अच्छा जेस्चर ये होना चाहिए पाबंदी लगनी चाहिए ये बिल्कुल अच्छा जेस्चर नहीं है हम ग्रीन इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज कर रहे हैं जो भी अपने घर पे या अपनी इंडस्ट्री पे सोलर लगाता है वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो अपनी पॉकेट से लगाते हैं हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा देखें बात है इस पे टैक्स लगाने की नहीं है इसको डिस्करेज करने की नहीं है आई के जो हमने एग्रीमेंट्स कर रखे हैं उसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है अगर हम आई के एग्रीमेंट्स को रिविज़िट नहीं करेंगे और हम अगर अपनी ग्रीन एनर्जी को आगे डिसकन्टीन्यू और डिस्करेज करेंगे तो फिर तो ये महंगाई इतनी हो जाएगी डिवेल्यूशन की वजह से और ये भी आगे सुनने में आ रहा है जैसा आप बजट की बात कर रहे थे ये भी अखबार की खबर थी कि रुपया जो है डॉलर वर्सेस वो 325 के करीब ये आईएमएफ ने कहा है आपको अपनी करेंसी को और डिवेल्यू करना है तो अगर ये 325 पे चला गया तो ये तो मैं समझता हूँ कि गरीब आवाम और सफ़ेद पोष का तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप है तो आपके लिए बहुत बुरा सर नहीं रेट ऑफ़ अब देखें अब आपकी मैं बात ही ये करता हूँ कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी डिवेल्यूशन ये सारा कुछ आपकी डिवेल्युशन से है आपकी महंगाई हम ये बात बिल्कुल गलत करते हैं कि हमारा अगर करेंसी डिवेल्यू होगा तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी नहीं एक हद तक बढ़ेगी लेकिन फिर जो रॉ मटेरियल बाहर से आएगा अल्टीमेटली हम उसी जगह पर चले जाएंगे तो हमें अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि हमारा इम्पोर्ट बिल ज्यादा है तो अगर हम उससे बेहतर करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा इन्फ्लेशन भी कम होगा हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम होगा हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम होगा हमारा बिजली और गैस के रेट्स भी कम होंगे और गवर्नमेंट को इस तरफ देखना चाहिए बहुत शुक्रिया आजाब काशिफ अनवर साहब थैंक यू वेरी मच काशिफ अनवर साहब और जो बातें इन्होंने कही हैं वो ऐसी हैं कि वैसा जो जूद हज़म है हर आदमी को भी समझ आती है लेकिन जो अरबाब इख्तियार हैं पतनी वो क्यों नहीं समझते इन्होंने जो बातें कही हैं उसके मुताबिक वो कहते हैं कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ख़ास तौर पर ये बहुत प्रॉब्लम है बिज़नेस मैन के लिए और ख़ास तौर पर जब आपका सर इम्पोर्ट डेट वो जो इकानमी है तो उससे जाहिर है आपको जब ये अपनी करेंसी को मजबूत करेंगे तो आपने बहुत सुना भी है अपनी ज़िंदगी में सुनते आए बूढ़े हो गए हैं कि जनाब डी वैल्यूशन करें और एक्सपोर्ट बढ़ेंगी बुद्दा हमने आज तक नहीं देखा कि एक्सपोर्ट इससे बढ़ी हो हम भुट्टो साहब के ज़माने से हमें याद है इस बात को तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ करनी चाहिए जिसके ऊपर जामे पॉलिसीज़ हों ऑल इंक्लूसिव हों सब को ले कर चलें बैठ के डिस्कस करके पाकिस्तान मेड पॉलिसीज़ बनाए और अपने अखराजा को कम करें ये है। आज की गुफ्त और लुबे लबाव मैं बहुत मशहूर हूँ जनाब काशफ अनवर साहब को आहमद का इसके साथ ही अगले प्रोग्राम पर इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़